साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज दिन किया देश च एमरजेंसी का ऐलान। जी हाँ, 40 साल पहला इंदिरा गांधी ने आज के दिन देश में एमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। 25 जून 1975 को एमरजेंसी के ऐलान के नाल सारे नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को खत्म कर दिया गया। सिर्फ प्रटावे का अधिकार ही नहीं, लोगों के जीवन जीने का अधिकार भी नहीं लिया। प्रेस सेंसरशिप नसबंदी दिल्ली के सुंदरीकरण के नाम के झुग्गे झोंपड़ियों को हटाने और अजे बहुत सारे फैसले हैं जिस कारण भारत की एमरजेंसी को देश में काला दिन कहा जाता है। इंदिरा गांधी की एमरजेंसी दौरान नेतावान तो लैके समाज सेवकों तक जिन्होंने अत्याचारों और वधीकियों विरुद्ध आवाज बुलंद की उन्होंने जेलों में बंद कर दिया गया। जेलों में कोई जगह नहीं सी बची, पर एमरजेंसी विरुद्ध जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की उन्होंने हौसले बचे हुए सन और उन्होंने इस काम को बहुत वधिया ढंग नाल किया। इसका नतीजा यह होया कि 21 महीनों बाद एमरजेंसी 21 मार्च 1970 को देश तो हटा दी गई। कुछ महीनों बाद देश के लोगों ने अपनी वोट की शक्ति इंदिरा गांधी को सत्ता को बेदखल कर दिया। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले में एक प्रमुख नेता वजों उभरे सन। इस तो अलावा राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, वी एम तरकुंडे, एच डी देवेगौड़ा, अरुण जेटली, रामविलास पासवान, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वर्गे नेतावान इंदिरा गांधी ने जेल में कैद करवा दिया। हालांकि बाद में इन नेतावान ने ही कांग्रेस को सत्ता तो उखाड़ सुटिया। साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगवाई वाली सरकार की सिफारिश से उस दौर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत देश में एमरजेंसी का ऐलान किया। एमरजेंसी दौरान चोणां मुलतवी कर दी गई सन। यह स्वतंत्र भारत का सब तो विवादपूर्ण दौर भी मनिया जाता। उस समय अगले ही दिन 26 जून में पूरे देश ने रेडियो से इंदिरा गांधी की आवाज में एमरजेंसी के ऐलान बारे सुनिया। कहा जाता है कि एमरजेंसी की नींव 12 जून 1975 रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली की चोण मुहिम सरकारी मशीनरी की दुरवरतों करने का दोषी पाया और उसकी चोण रद्द कर दिया गया। नहीं, इंदिरा गांधी ने 6 साल चोण लड़ने से किसी भी तरह का अहुदा संभालने से भी पाबंदी लगा दी गई थी। वधेरी जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू ते सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।